पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जिला एवं महानगर की ओर से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में संयुक्त रूप से दरभंगा बिहार में स्वयंवर बैंक्वेट हॉल में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग एवं निकाय चुनाव प्रभारी जतिन प्रसाद रहे और राज्यसभा सांसद एवं जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर शामिल रहे। संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा की गई और संचालन पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष अनुपेंद्र चौधरी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जितिन प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है। महापुरुष ज्योतिबा फूले के विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने समाज के उद्धार के लिए कार्य किए और अपना जीवन अर्पण किया है। ज्योतिबा फूले जी को महात्मा जी की उपाधि दी गई। पिछड़ों और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन मोदी जी ने उनके विचारों को लेकर दिया और उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहे। सामने जो चुनाव की चुनौती है निगम निगम की, ये आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले का एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, प्रयोग होगा और हम सबको प्रधानमंत्री जी जो नए भारत का परिवर्तन और बदलाव लेके संकल्प लेके चले हैं, तो चुनाव बड़ा हो या छोटा हो हम सबको कमर कस लेनी चाहिए और पूरी दमदारी से तैयारी करके एकजुट होकर इस चुनाव के लिए उनका पड़े। तो तैयार है कि नहीं है? मुरादाबाद है ना, नाश्ता नहीं करवाया थे जी? तैयार है कि नहीं तैयार है? बिल्कुल पूरी तैयारी से, वार्ड मेंबरी से लेके नगर पंचायत से नगर पालिका नगर निगम छोटा हो या बड़ा, आपसी मतभेद भुला के ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई उन महापुरुषों के संकल्प को पूरे करने की है, ये लड़ाई उन लोगों की है जो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, ये लड़ाई उन लोगों की है जो अभी आपने देखा लोग पहुंच गए विपक्षी दलों के और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हटाना चाह रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की ये पहल रही कि जल्द से जल्द दोबारा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू करा के तुरंत चुनाव कराने की पहल कराई गई। तो इसके सम्मान के लिए, इसकी रक्षा के लिए और सभी वर्गों को साथ लेके चलने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। रात दिन एक करेंगे, कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई। तो चंद लोगों को चांस मिलता हो चुनाव लड़ने, और बहुत से लोग जो कर्मठ हैं, जो लॉयल हैं, जिनका योगदान रहा होगा, जिनका बहुत कुछ संघर्ष रहा हो, वो वंचित भी रह जा सकते। मगर मैं आपसे विनती करता हूं, मैंने देखा है ये दल, यहां का नेतृत्व, सबका समय आएगा और सबको सही समय पे उनको भी चांस मिलेगा। तो अपने आपसी मतभेद भुला दीजिएगा, जो पार्टी तय करेगी उसके लिए सब लोग लामबंद हो जाएं और पूरी दमदारी से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए लग जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।